is being a king? How is being a king? नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सुलेमान के तीन गुप्त कोड जो आपको हमेशा के लिए अमीर बना सकते हैं। पहले जरा परिचय लेते हैं, फिर आते हैं तीन गुप्त कोड में। पर दुख की बात है, आजकल बहुत कम लोगों इस तरह वीडियो देखना चाहता है। आज ज्ञान के ओर नहीं बल्कि खोखली एंटरटेनमेंट पसंद करते। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं। सुलेमान अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और समझ की खोज करना बेहतर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण थे। राजा सुलेमान योद्धा राजा दाऊद और उनकी पत्नी बाथशेबा का पुत्र था। राजा सुलेमान परंपरागत रूप से अपनी महान बुद्धि और धन के लिए जाने जाते हैं। मुझे पता है कि अब सब सोच रहे हो कि उनके पैदाइश ही धनवान के घर में हुआ था। ये सच है कि सुलेमान की संपत्ति और शक्ति उसके पिता राजा डेविड से विरासत में मिली थी। लेकिन सुलेमान के शासनकाल की विशेषता, आर्थिक समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यरूशलेम में प्रथम मंदिर का निर्माण था। राजा सुलेमान वाणिज्य, व्यापार, प्राप्त उपहारों, उनको दी जाने वाली कर राशि और भारी करों के माध्यम से धनी बना था। वह प्रभु से बहुत प्यार करता था। उसने पूजा के लिए मंदिर भी बनवाया था। मंदिर के समर्पण के दौरान उसने कई बलिदान चढ़ाए। अत्यधिक दान करने से अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त हुआ। एक रात सपने में ईश्वर ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। सुलेमान चाहता था कि बुद्धि जो इसराइल पर शासन करे, और परमेश्वर ने उसे एक बुद्धिमान और समझदार दिल का आशीर्वाद दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप अपने हर काम में परमेश्वर को सबसे पहले रखेंगे तो वह आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ईश्वर को सबसे पहले रखें और वह हमारे जीवन में हर समय आपकी मदद करेंगे। अब आती हूँ तीन गुप्त कोड में जो आपको हमेशा के लिए अमीर बना सकते हैं। पहला, एक बुद्धि। राजा सुलेमान न केवल ज्ञान की खोज करने वाला व्यक्ति था, बल्कि वह बुद्धि की खोज करने वाला भी व्यक्ति था। छोटी उम्र से ही वह जानता था कि अपने साथियों से अलग दिखने के लिए उसे भाग्य से ज्यादा ज्ञान, प्रसिद्धि से ज्यादा ज्ञान और शक्ति से ज्यादा समझ की तलाश करनी होगी। वह जानता था कि अगर वह ज्ञान और ज्ञान की तलाश करेगा तो प्रसिद्धि और भाग्य उसके पास आ जाएगा। दूसरा, दो, साहस। राजा सुलेमान एक युवा लड़के के लिए भी बहादुर था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि जब उसने सिंहासन संभाला था तब वह लगभग 15 वर्ष का था। राजा सुलेमान ने अपनी चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करना पसंद किया। उसका साहस उसे महान चीजें हासिल करने की अनुमति देता है, यानी परिश्रम और मेहनत। सुलेमान द्वारा लिखे गए नीतिवचन में परिश्रम और मेहनत के महत्व को बताया गया है। मेहनती व्यक्ति शासन करेगा, जबकि आलसी को मजबूरन काम करना पड़ेगा। नीतिवचन 12:24। फिर बजट बनाएं, समझदारी से निवेश करें, अनावश्यक ऋण से बचें और अपने संसाधनों और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं। तीसरा, उदारता। राजा सुलेमान ने अपनी बहुत सी संपत्ति दान कर दी और उसका एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक कार्यों में लगा दिया थे। उनकी कई प्रसिद्ध बुद्धिमानी भरी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वह बहुत उदारता के धनी थे। जब आप उदार होते हैं तो आप न केवल उन लोगों का दिल जीतते हैं जिनके प्रति आप उदार हैं, बल्कि आप देखने वालों का भी दिल जीत लेते हैं। जो कुछ भी आप देते हैं वह आपको कई गुना बढ़कर मिलता है।
इसलिए लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले ही अमीर बनते हैं। राजा सुलेमान की आध्यात्मिकता ने उसे बुद्धिमान, विनम्र, दयालु और उदार बनाया, जो उनके समृद्धि की एक महत्वपूर्ण अंग था। ये सिद्धांत किसी जादुई कोड की तरह नहीं है, लेकिन ये समय के साथ प्रमाणित बुद्धिमानी को दर्शाते हैं, जो दीर्घकालिक सफलता और समृद्धि में योगदान कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।